shiver when I take this. और मैं थतराता हूँ जब मैं इसे लेता हूँ तब. Because this is not a usual book. और क्योंकि ये साधारण से पुस्तक नहीं है. This is the precious word of God. ये परमेश्वर का बहुमूल्य वचन है. This is not for reading. और इसे पढ़ने के लिए नहीं है. मलयालम मनोरमा इंडियन एक्सप्रेस टाइम्स ऑफ इंडिया देयर फॉर रीडिंग. मलयालम मनोरमा टाइम्स ऑफ इंडिया इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने के लिए है. दिस इज फॉर व्हाट. परंतु ये किसके लिए? मेडिटेटिंग. ये मनन करने के लिए है. मनन करने के लिए. Psalm says I will meditate your word, not read your word. I will meditate your word day and night. और भजन संहिता इस प्रकार से कहती है कि मैं आपके वचन को पढ़ूंगा नहीं परंतु मनन करूंगा दिन और रात. As I said, I don't know whether I said here, I said somewhere else. Preaching is not a very hard thing. और जैसे मुझे पता नहीं मैंने यहाँ कहा या कहीं और कहा, परंतु प्रचार करना बहुत कठिन बात नहीं है. If you know some English, if you know some language, if you have a dictionary, a commentary, a few things, preparing a message is not a very hard thing. अगर आप अंग्रेजी जानते हैं या कोई और भाषा जानते हैं या आपके पास वचन है, आपके पास डिक्शनरी है, तो संदेश को तैयार करना बहुत कठिन बात नहीं है. Delivering it also is not a very hard thing. और लोगों तक इसे पहुंचाना बहुत ही कठिन बात नहीं है. But what is the hard thing? परंतु कठिन बात क्या है? Or it's not hard, but what is the most important thing? और ये कठिन नहीं है, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है? Living by what you speak. और जीना जिसके द्वारा आप कहते हैं उसी के द्वारा. Walking the talk. और जो आप चलते हैं उसी को कहते हैं. Walk the talk. और जो आप चलते हैं वो कहते हैं. Someone said one of the greatest sins in Christianity today is this, that preachers fail to practice what they passionately preach. और बहुत ही बड़ा पाप जो मसीहता में इस प्रकार से प्रचारक जो प्रचार करते हैं उसके अनुसार में वो चलते नहीं है. We fail to practice what we passionately. I'm very passionate when I stand behind a pulpit. When I preach, I'm very passionate. Walk out of this door. I forget everything. और मैं बहुत ही इस प्रकार से व्याकुल हो जाता हूँ ये वचन को बांटने के लिए, बहुत ही इस प्रकार से करता हूँ, परंतु जब मैं इस दरवाजे के बाहर चले जाता हूँ तो मैं जो अभ्यास करता हूँ, जो प्रचार करता हूँ, सब कुछ भूल जाता हूँ. I don't want to be one of them. और मैं उसमें से एक नहीं होना चाहता हूँ. So tonight, you know, I go back home, I take my pen and I write. I have here in my Bible from 1992 all what I preached, the date and the church where I spoke, it is here in this Bible. और जब मैं घर जाता हूँ, मैं कलम लेता हूँ और लिखता हूँ, और 1992 से मैंने जहाँ कहीं भी प्रचार किया, कौन सा संदेश बांटा, उसके तारीख के साथ में मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ. The other day I was going through and I know the date and the topic I spoke at your Lonavala meeting also. That is there in my Bible. और कल मैं जिसे देख रहा था लोनावाला की सभा में, मैंने आपके साथ में जो तारीख में संदेश बांटा था और उसका विषय क्या था वो भी मुझे पता है. Then I pray to the Lord, now that I have preached in New Life Church in Bombay and you heard every single word I uttered there, give me the grace to live by it. और मैं कहता हूँ कि जैसे मैंने बम्बई में कलीसिया में आपके वचन को बांटा है, आपने हर एक वचन को सुना है, और उस वचन के द्वारा मुझे रहने की सहायता कर, पर मुझे अनुग्रह दे उसके लिए. I have one more thing this evening. हाँ, आज के शाम को और एक बात है. Right in front of me there are few people seated. और मेरे सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं. Of course, all of you. और सचमुच में सभी लोग. But there are some people here that I very highly respect. और उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं मैं उनका बहुत ही ज्यादा सम्मान करता हूँ. It was in 1981 that I met Uncle C.V. John in Velu. और अंकल सीवी जॉन को 1981 में मैं मिला था. I was working with OM. और मैं OM के साथ कार्य कर रहा था. I will not get into that story, but while I was working with OM in Vellore, I was caught by 8 RSS people. और जब मैं OM में वहाँ पे लूर में कार्य कर रहा था तो 8 RSS के सदस्य हैं, उनके साथ में मेरा सामना हुआ. My team members ran away. और मेरे दल के जो सदस्य थे वो मुझे छोड़कर भाग गए. I was caught by them. और मुझे उनके द्वारा पकड़ लिया गया. I don't know how much they bet me and hit me and all that. I was taken to the police station. Finally left in the Vellore Medical College. और मुझे पता नहीं कि मुझे कितनी चोट पहुंचाई गई, कितना मुझे मारा गया, मुझे पुलिस स्टेशन भी लेके गए और अंत में मुझे अस्पताल में वहाँ वेल्लोर में छोड़ दिया गया. And there was one family there
that day to come and help me. और वहाँ पर एक परिवार था मेरे पास आने के लिए और मेरी सहायता करने के लिए. Of course, during those days, they stood behind me. और सचमुच में उन दिनों में वो परिवार मेरे संग मेरे साथ में खड़ा रहा. Not on that particular day, but I was there. In Vellore during those days. और सिर्फ उस दिन में नहीं परंतु उस दिनों में जब वेल्लूर में मैं था तब तक. And then later I took my own sister there for an operation. This family was there. और मैं सचमुच में दोबारा जब मेरी बहन के साथ में ऑपरेशन के लिए वहाँ गया तो यही परिवार मेरे साथ में वहाँ पर था. And that is Uncle C.V. John and his wife. और ये है अंकल सीवी जॉन और उसकी उनकी पत्नी. I had a wonderful lunch with them this evening. I mean this afternoon. And he said he's going to come. Uncle C.V., thank you very much. I know that you are not all that well and all, but you came. I'm highly honored by your coming. और दोपहर का मैं भोजन उनके साथ में लिया और मैं भाई बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं तो उसके बावजूद आप यहाँ पे आए. मैं आपका बहुत ही बड़ा सम्मान करता हूँ. And of course, I have another very highly respected person here. और उसके साथ मेरे और एक सम्मानजनक व्यक्ति यहाँ पर है. Uncle Sam C. Samuel. Uncle Sam C. Samuel. Sam C. Samuel. He worked with Every Home Crusade for number of years. Every Home Crusade. Every Home Crusade के साथ मेरे साथ में बहुत बार कार्य किया है. A very highly respected person in our state in Kerala and elsewhere, other parts of India. और केरला स्टेट में भी बहुत ही सम्मानजनक है वो और दूसरे भागों में भी उनका बहुत बड़ा सम्मान होता है. You know, someone said this way. It is more hard to stay on the top than to reach there. और किसी ने इस प्रकार से कहा कि बहुत ही कठिन होता है कि ऊपर के स्तर पे रहना इसके बजाय कि वहाँ पर पहुँचने के लिए. You can somehow climb and climb and climb, come here, and the person said, it is more hard to stay here on the top than to reach there. और बहुत ही आप चढ़ाव चलते चलते यहाँ पर ऊपर तक पहुँच जाते हैं, इस स्तर पर ऊपर के स्तर तक पहुँच जाते हैं, परंतु ऊपर से स्तर तक रहने के लिए बहुत ही कठिन बात है इसके बजाय कि चल कर ऊपर तक आना. These men of God that I'm talking about have not only climbed and reached, but they have stayed there. They stayed there. They did stay there without spoiling their name. और ये जो मैं मनुष्य के बारे में इन व्यक्तियों के बारे में कह रहा हूँ वो सिर्फ वहाँ तक नहीं पहुँचे पर तो उस स्तर तक बहुत ही कठिनाई से वो अभी भी वहाँ पर रहे हैं. I want to thank God for these men of God. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगा इन व्यक्तियों के लिए. And one of the joy for me to come to Borivali this time was not only preaching in this church but staying with Uncle Abraham and Lily Aunty. और एक और आनंद की बात है यहाँ पर बोरिवली में आके कलीसिया के साथ में प्रचार करना ही नहीं परंतु अब अंकल अब्राहम और उनके साथ में रहने के लिए भी. I don't have to put them up, but let me tell you one word. I simply like them. और मैं उनको ऊंचा उठाना नहीं चाहता हूँ, पर तो मैं एक सिंपल साधारण से शब्दों में कहना चाहूँगा मैं उनसे प्रेम करता हूँ. He will not butter you much. और वो आपको ज़्यादा मस्का नहीं लगाएगा. He will straight speak on your face. If he doesn't like something in me, he says, "Oh, Vivi is staying in my home. Let me not say." If he doesn't like something in me, he will tell me, "Vivi, I don't like this." और अगर उसे कुछ पसंद नहीं आता है तो मेरे मुख पर सीधा कह देगा, "Vivi, ये बात अच्छी नहीं है." अगर उसे पसंद आती है तो उस प्रकार से अपने मुख पर कह देगा. That is love. और वो प्रेम है. And I want to thank God for that wonderful family. और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस सुंदर परिवार के लिए. Of course, tomorrow I was going to thank them, but today, one day early, also is okay. और मैं कल उनको धन्यवाद देना चाहता था, परंतु एक दिन पहले धन्यवाद करना अच्छा है. And of course, I'm glad that I met your pastor. और मैं धन्यवाद बहुत ही आनंद में हूँ कि मैं आपके मेषपाल को भी मिला. Yesterday we had a wonderful time in his home. और कल का दिन हमने बहुत ही अच्छा उनके साथ उनके घर में बिताया. My heart was all the more joyful when he told me both my his children were standing. They were the ones who were leading the song. It is very hard for pastor children to come to that sort of a stage. Many pastor children don't want to sing. They want to be sitting at the back. They don't want to get involved. But his children are up here singing, leading, helping his father in the ministry. और मेरा प्राण बहुत ही आनंदमय हो गया जब उसने कहा कि मेरे दोनों बच्चे आराधना की अगुवाई करते हैं. साधारण तौर पर मेषपाल के जो बच्चे होते हैं वो आगे मंच पर नहीं आना चाहते, सेवकाई में सहायता नहीं करना चाहते, वो पीछे की ओर बैठ के वहाँ पर रहते हैं. परंतु जब मैंने सुना कि मेषपाल के साथ में उनके बच्चे उनकी सेवकाई में, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ. So may the Lord bless this wonderful men of God and of course all of you here. और परमेश्वर इस मनुष्य के जो दास है उनको आशीर्वाद करे और उसके साथ में सभी और भाइयों और बहनों को भी. Before I continue with what I started speaking yesterday, we have a few questions here. और इसके बजाय कि हम पहले
जो कुछ बातें हमने कल की थी उसके आगे बढ़ने के पहले हमारे पास कुछ यहाँ पर सवाल है। I have four more here, and Pastor said before you come to the word, read those questions and try to answer them. और मिश्रा ने इस प्रकार से क्या चार सवाल यहाँ पर है और शुरुआत करने के पहले इस सवालों को पढ़ो और कोशिश करो उसका जवाब देने के लिए। In fact, I left them at home thinking that I'll come straight into the message, but I have to obey your pastor. He is the one who called me, so I have to obey him. So I went by home, took these questions, and if I need to come back to the church, I have to obey him. और मुझे लगा था कि मैं आके यहाँ पर संदेश को आगे बढ़ाऊंगा, पर तो आपके मेषपाल ने मुझे कहा कि जो सवाल आपको दिए गए उसका जवाब देना है और मैं ये पर्ची अपने घर पर भूल गया था, परंतु मुझे आपके मेषपाल का मेषपाल की बात माननी पड़ी है, मुझे घर जाना पड़ा और इस पर्चियों को लेकर आना पड़ा। Now there are wiser men than me sitting here. I may be probably having a PhD in quote unquote, but that is not the issue. You know, some of these men of God have been in the ministry for longer than me, so they may be able to answer some of these questions better than me. I'm going to read them, and if they have a word of wisdom, they can stand up and say, "Well, this is also an answer." Including our pastor, anyone, any four of us can answer this question. Let me read one of them. Or isme se yes yes. Or yahan par char jo vyakti है यहाँ पे वो भी परमेश्वर की ओर के दास है और वो भी मेरे साथ में सेवकाई में बहुत सालों तक रहे। अगर परमेश्वर की ओर से उनके पास अगर समझ का या बुद्धि का कुछ शब्द आता है तो मेरे साथ में वो जो सवाल है उनके जवाब वो दे सकते हैं। In any case, we need to close before 8, isn't it? By 8. और 8 बजने के पहले हमें खत्म करना है। It's 6:45 now. और पौने सात हो गए। Is it 7:30 or 8? 8. Okay, okay. Whenever I'm in a problem, I don't feel like reading the Bible and praying, even though I know that I can find my solution by praying. और जब भी कठिनाई या समस्या में मैं होता हूँ, मैं वचन को नहीं पढ़ता हूँ, मैं जानता हूँ अगर मैं वचन को पढ़ूंगा तो मुझे वहाँ से उसका सुझाव मिल जाएगा। This is a continuation of our youth meeting in the afternoon. और दोपहर में जो युवा की जो सभा हुई थी उसकी निरंतरता में आगे की ओर है। Now, what is the solution? What is the solution? और उसका सुझाव क्या है? Whenever I am in problem, I don't feel like reading the Bible and praying. और जब भी मैं समस्या में होता हूँ, तो मुझे प्रार्थना करना, परमेश्वर का वचन पढ़ना अच्छा नहीं लगता। Even though I know that I can find solution only through that. और इसके बावजूद कि मैं जानता हूँ, अगर मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर को वचन को पढ़ता हूँ, तो मेरा वहाँ पे सुझाव हो जाएगा, जो मुझे चाहिए वो हो जाएगा। You see, let me, if these uncles and pastor, they have a word of wisdom, they can, as I said, they can share. But let me share with you one or two things on this. और जैसे मैंने कहा, उनके पास अगर बुद्धि का कोई शब्द है, तो उस भी उस कह सकते हैं, परंतु उसके पहले मैं एक या दो कुछ अपने तरह से कहना चाहूँगा। Satan knows very well that if you pray, if you meditate, go back to the word of God where you find solution, you will find one. और शैतान पूरी प्रकार से जानता है कि अगर आप प्रार्थना करोगे, आप परमेश्वर को वचन को पढ़ोगे, जो आपको चाहिए वहां से आपको मिल जाएगा। Discouragement, trouble, these are not brought by God. हताशपन या अयश जो होता है वो परमेश्वर के द्वारा नहीं लाया जाता है। And therefore, Satan will push you all the more against the wall and say, "Well, you are. This is the end of your life." और शैतान जो है आपको और ज़्यादा दीवार के करीब ले जाएगा और कहेगा ये आपके संसार का अंत है। Sometimes he will tell you, "Well, you have been praying all this while. What did you achieve?" और फिर उस बहुत से बार आपको इस प्रकार से भी कहेगा कि आप इतने प्रार्थना करते थे, उससे आपने क्या पाया? I read somewhere this way. और मैंने कहीं पर इस प्रकार से पढ़ा। Sometime, once upon a time, Satan asked a person, "You have been praying and praying and praying. What did you achieve? What did you gain?" और शैतान ने इस व्यक्ति से कहा कि आप प्रार्थना करते रहे, तो आपने क्या पाया उसमें? You must have read this in WhatsApp or Facebook. I don't know where I read, but this is the way. Satan is asking, "What did you gain after praying for so long?" और शैतान ने इस प्रकार से पूछा कि प्रार्थना करने के बाद ने आपने कहा, आपने इसे WhatsApp या Facebook पर पढ़ा होगा, मुझे पता नहीं कहाँ पर। And the believer said, "Well, I did not gain much, but I lost something." और विश्वासी ने इस प्रकार से कहा कि मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं पाया, परंतु मैंने कुछ खोया। I lost my anger. और मैंने खोया मेरे क्रोध को। I lost my lust. और अपने नालसा को मैंने खो दिया। I lost my jealousy. और मैं जलन को मैंने खो दिया। Sometimes by praying,
यू डोंट गेन बट रादर यू लूज। और जब आप कुछ प्रार्थना भी करते हो बहुत से बार आप कुछ पाते नहीं परंतु कुछ खोते हो। Our traditional understanding for prayer is pray and you will get it. So pray. Give 10 rupees, you will get 20. Some pastors say, come to the church, give 10 rupees, tomorrow you will get. So some motivation for people to give 10 rupees is, tomorrow I am going to get how much? 20. और इस प्रकार से पता है हमारे जीवन की कि हम जो भी प्रार्थना करते हैं उस प्रकार से हमें मिल जाएगा। जैसे मेषपाल कहता है कि अगर आप 10 रुपए देंगे तो आपको 20 रुपए मिलेगा। कुछ लोग इस प्रकार से देते हैं 10 रुपए ताकि दूसरे दिन को 20 रुपए मिले। My friend who wrote this question. मेरा मित्र जिसने ये सवाल लिखा है। Satan will tell you not to pray. शैतान आपसे कहेगा कि आपको प्रार्थना नहीं करनी है। What did you gain? और आपने क्या पाया इसमें? You are a failure. और आप हारे हुए हो। Discouragement. हताशपन। He will bring you to the low ebb of your life. और आपके जीवन के एकदम निचले स्तर में वो आपको ले आएगा। You have to talk back to him and say. और आपको दोबारा उससे बातें करनी है और कहना है। Satan, whether I receive it or not, I'll continue to pray. और चाहे शैतान मुझे चाहे मिले या न मिले परंतु मैं निरंतरता में प्रार्थना करते रहूंगा। Satan, my day is coming. और शैतान मेरा दिन आ रहा है। I will have victory in life. और मेरे जीवन में विजय मिलेगी। So don't give into that pressure by Satan, discouraging you. और इसके लिए उस दबाव में हमें नहीं आना जो शैतान हमें देता है हताशपन में। Continue to pray. निरंतरता में प्रार्थना करनी है। Any word of wisdom, Achan? Anything? It's okay. Something you want to say? No. Okay. Next one. Agla. Whenever I am in some difficulty or problem, I cry out to Jesus and pray, or else I'll sit and read the Bible. But I can't remember and not willing to learn Bible verses, and nowadays not reading Bible and daily bread and write the verse and what I understood, I'm feeling guilty and empty every day and feel like a jailer. You know, even after praying and all that, you know, this person feels guilty and he feels like being a jailer. और इस प्रकार से ये व्यक्ति जो है इसे प्रार्थना करता है वचन को पढ़ता है उसके बावजूद भी उसे लगता है कि उसके अंदर खालीपन है और उसके अंदर कुछ भी नहीं है। Please know. और आप ये जाने। Your guilt and shame is taken care by the cross. और आपके जो शर्म है, आपको जो लग महसूस होता है, वो यीशु मसीह ने आपसे ले लिया है। When you come to the Lord Jesus Christ, that guilt and shame is taken care on the cross. और उस प्रकार का जो आपको शर्म महसूस होती है, guilt महसूस होती है, परमेश्वर ने क्रूस पर आपसे ले लिया है। I have seen number of people coming to the church with a guilty feeling. और इस प्रकार से वो दोष प्राप्त करते हुए इस प्रकार महसूस करते हुए मैंने देखा है वो कलीसिया में लोग आते हैं। When Jesus tells you your sins are forgiven, it is forgiven. और जब यीशु मसीह आपसे कहते हैं कि आपके पाप दूर हो गए हैं, आप दोष मुक्त हो, तो सचमुच में उस प्रकार से है। The lady was caught in adultery. और जो महिला व्यभिचार में पकड़ी गई थी। She was brought to Jesus by these Pharisees. और फरीसियों के द्वारा इस महिला को यीशु के पास ले आया गया। According to the law of Moses, she should be stoned to death. और मूसा के कानून के नियम के अनुसार उस पर पथराव करके मार डालना चाहिए। So these people knew if Jesus said yes or no, they can catch him. और ये लोग जानते थे अगर यीशु मसीह हाँ या ना कहते हैं तो उसे पकड़ सकते हैं। If Jesus said no, let her go, they will run to the high priest and say, here is a person who turns the law of Moses down. He doesn't obey the law of Moses. अगर यीशु मसीह ना कहते हैं तो ये लोग दौड़कर महायाजक के पास जाते हैं और कहते हैं कि मूसा के कानून और नियम है उसे मानते नहीं है। If Jesus said yes, go ahead and stone her, they will go to Pilate or Caesar and say, Pilate or Caesar, here is a person who caused people to death sentences. That right only you have. He is doing that. अगर वो यीशु मसीह हाँ कहते तो पिलातुस या सीज़र के पास जाते और कहते कि ये एक व्यक्ति है जो अधिकार इस प्रकार से सजा का अधिकार देता है जिसका अधिकार सिर्फ आपके पास ही है। So that day they thought either he is going to say yes or no, we are going to catch him. और उस दिन उन्होंने सोचा कि अगर वो हाँ भी करता है या ना करता है दोनों में से कुछ भी कहेगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। But Jesus did not give an answer. He was writing on the ground. परंतु यीशु मसीह ने कोई जवाब नहीं दिया परंतु भूमि पर कुछ लिख रहे थे। Some commentator says that Jesus was writing the sins of those people who brought her to Jesus. और कुछ टिप्पणियां देने वाले इस प्रकार से कहते हैं कि यीशु मसीह उन व्यक्तियों के पापों के बारे में भूमि पर लिख रहे थे जिन्होंने उस महिला को पकड़ के ले आया था। Finally, they kept
asking the question. They kept on asking. और अंत में वो लोग उस सवाल को पूछते रहे. Jesus lifted his head. और यीशु मसीह अपने सर को ऊंचा उठाया. The one among you without a single sin, let him cast the first stone. और उसने कहा, आप में से पहला व्यक्ति जो कोई पाप नहीं किया, जो दोष मुक्त है, उस पर पहला पत्थर मारे. They were all having stones in their hand. और सभी लोगों के हाथ में पत्थर थे. From the elder to the younger, everyone. वयस्क से युवा लोग तो सभी के हाथ में पत्थर थे. Jesus lifted his head. यीशु मसीह अपने सर को ऊंचा उठाया. Looked at the lady. और महिला की ओर देखा. There is only one person who can stone her in that crowd there. और वो उस भीड़ के अंदर सिर्फ एक व्यक्ति है जो उस पर पत्थर कर सकता है. Probably she is looking at the hands of Jesus. और हो सकता है वो यीशु के हाथों की ओर देखती होगी. If somebody can stone her, it is only Jesus. अगर कोई उस पर पत्थर कर सकता है तो सिर्फ यीशु. Jesus asked one question. और यीशु मसीह ने उससे एक सवाल पूछा. Lady, महिला, women, स्त्री, where are those people who wanted to condemn you? और दोष दंड देने वाले जो लोग हैं वो कहाँ पर हैं? How they not condemned you? और क्या उन्होंने आपको दंड नहीं दिया? She is shivering. और वो कांप रही है. She said, no, master. उसने कहा कि मालिक नहीं. He said, neither do I condemn you. Go. Sin no more. और मैं भी आपको दंड नहीं देता, पर तू जा और पाप फिर मत कर. Lady, I know your sin is a serious one. और महिला, मैं जानता हूँ कि आपका जो पाप है बहुत ही गंभीर है. But in few days time, पर तो कुछ दिनों में, I am going to carry the cross. और मैं क्रूस को उठाने वाला हूँ. I will be going to Golgotha. और मैं गुलगत्ता जाने वाला हूँ. I will carry that sin that you committed to the cross, so you can go free. और मैं उस पाप को उठाने वाला हूँ जो आपने किया है, और ताकि आप मुक्त हो जाए. I'm not saying it's okay. और मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये काफी है. I'm not saying that your sin is simple. और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपका पाप साधारण है. You can go free today. आप स्वतंत्र होकर जा सकते हो आज. I will carry it for you. और मैं आपके लिए उस पाप को उठाऊंगा. You don't have to feel guilty. और आपको इस प्रकार से दोष नहीं महसूस होना चाहिए. Committed so far. All that you committed so far. और जब कुछ भी आपने अब तक किया है, I am forgiving you. और मैं उसके लिए आपको क्षमा करता हूँ. My friends here, I want to tell you, you can go free. You don't have to carry any more guilt because Jesus carried that on the cross. और मैं दोस्तों आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको कोई भी दोष इस प्रकार से अपने ऊपर उठाकर नहीं ले चलना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको मुक्त किया है. Tonight, whoever wrote this question, I don't know who is that person. I want to tell you, you go from this church guilt-free. और जो कुछ जिस किसी व्यक्ति ने इस सवाल को लिखा है मुझे पता नहीं, परंतु आज की रात को आप यहाँ से दोष मुक्त होकर जाओगे. But one condition. परंतु एक उसके लिए. Jesus did not say go and continue what you are doing. और उसके लिए एक शर्त है. उसने ये कहा है कि जो कुछ आप कर रहे हैं उसे निंदा में नहीं करना है. Go sin no more. और आपको पाप नहीं करना है. Jesus believed in human nature. और मानसिक स्वभाव में यीशु मसीह जानते थे. Jesus always gave a second chance. और हमेशा मनुष्य को उसने दूसरा मौका दिया. And the second chance did not come to an end with the second chance. There is always a second chance. और दूसरा जो मौका आता है, दूसरा मौका अंत के लिए ना, दूसरा मौका वापस से दोबारा भी आता है. Then you will ask me now a question. और फिर आप मुझसे एक सवाल पूछोगे. Pastor, is that a license for sinning? Jesus will anyway forgive me. So can I continue in sin? और फिर आप मुझसे पूछोगे, मेषपाल क्या, क्योंकि हमको लाइसेंस मिल चुका है, इसके नियंत्रण हम पाप में करते पाप करते रहे? God forbid. अगर परमेश्वर इस प्रकार चाहेगा. Don't use the blood of Jesus like water. और यीशु मसीह का लहू पानी के समान हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. Don't you use the blood of Jesus like water. It is precious. Use it minimum. It is precious. Don't continue. Somebody said, a mistake repeated becomes a decision. और यीशु मसीह का mistake repeated becomes a Don't continue. और यीशु मसीह का लहू बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत ही मूल्य. उसे कम से कम उसका इस्तेमाल करो. यीशु मसीह का लहू बहुत ही बहुमूल्य है. अगर गलती आप दोबारा करते हैं, उस इस प्रकार की सजा बन जाती है. Another question. और एक सवाल. How to go closer to God? और किस प्रकार से परमेश्वर के और करीब जाए? A husband and wife, they were traveling in a car. और पति और पत्नी एक कार में सफर कर रहे थे. They were now 80 and 70. और वो 80 और 70 साल के थे. She said, dear husband, when we got married when we were 30,
यू ऑलवेज यू नो आई फेल्ट योर क्लोजनेस नाउ यू आर यू नो आई डोंट फील दैट क्लोजनेस यू नो वी आर 80 एंड वी आर 70 नाउ यू नो यू डोंट लव मी सो मच शी वाज कंप्लेनिंग सिटिंग ऑन दिस साइड और जो पत्नी है अपने पति से कह रही थी जब हम शादी हुई थी हम 30 साल के थे तभी हम बहुत ही करीब थे और अब जब हम इतने इस अवस्था में आ चुके हैं परंतु हमें पता मुझे पता नहीं चलता कि आप उस प्रकार से पत्नी हमेशा शिकायत कर रही थी पति से He said, "My dear wife, I have not moved an inch from my seat. I am still on my seat. It is you who moved. You are moving. I am still on the same seat. I am still on the same wheel everywhere. Friends, God is still on the throne. Who moved away from God? We. How to go back? You go back to Him. Walk towards Him. He is still there. You need to walk towards Him. It is not He who went away, but who went away? The son who went away from home has to come back. The prodigal son. When the prodigal son comes back, the father will. There is a condition. Come back. When you come back, the father will hug you. Sometimes he goes in search of the lost son also. But then there is a need to come back. How to get closer to God? You come back. He will accept you. Yes. Sorry. Yeah. और इस प्रकार से उसने पति ने अपनी पत्नी से कहा ये मेरी प्यारी पत्नी मैं अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला हूँ मैं अपने वाहन पर ही हूँ मैं अपने वाहन चालक वाहन की जगह पर बैठा हूँ मैं अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला हूँ ये आप है जो अपनी जगह से दूर हो गए उसी प्रकार से परमेश्वर भी कहता है कि मैं अपने सिंहासन पर वहीं पर बैठा हूँ आप मुझसे दूर हो गए हैं मैं वहीं पर अपने स्थान पर बैठा हूँ गुमराह पुत्र के समान है गुमराह पुत्र अपने पिता को छोड़कर दूर चला गया परंतु गुमराह पुत्र जब वापस आ गया तो परमेश्वर ने उसे अलिंगबद्ध किया उसे कहा कि आप मेरे प्रिय पुत्र हो ये हम है जो परमेश्वर से दूर चले जाते हैं परंतु परमेश्वर अपनी जगह से एक इंच भी हिला नहीं है Your message about using mouth to heal or hurt. Yes, I use that illustration. A Catholic father said, every day we use our tongue for two things, either to heal people or hurt people. और जैसे हम अपने मुख को इस्तेमाल करते हैं चंगाई देने के लिए या चोट पहुंचाने के लिए जैसे मैंने कहा है और किसी प्रचार में इस प्रकार से कि आप हर एक दिन आपके मुंह का इस्तेमाल करते हैं दो चीजों के चंगाई देने के लिए या तो चोट पहुंचाने के लिए I have a question. और यहाँ पर एक सवाल है Some believer friends speak to each other in a joking manner, in a joke way, and और विश्वासी लोग मजाक के तरीके से बातें करते हैं और मजाक के तरीके से बातें करते हो कहते हैं Sometimes it is hurting. That is the question. It is hurting. और इस प्रकार से जब मजाक में वो बातें करते हैं तो बहुत से बार वो चोट पहुंचाती है वो बातें Is that okay? और क्या सही है क्या ये ठीक है You see, there is a difference between cracking jokes and mocking people. Making fun and mocking. और वहाँ पर अंतर होता है जब हम मजाक करते हैं लोगों के साथ में या फिर हम चेष्टा करते हैं लोगों की I make fun of my wife sometime. और मैं मजाक उड़ा करता हूँ मेरी पत्नी का But I should not mock my wife. Mocking and making fun is different. और जब हम मजाक करते हैं और उस प्रकार से हम उसकी चेष्टा करते हैं दो अलग बात होती है कहने के लिए And also, if I make fun on somebody, I should be able to also take fun on me. Also, when others make fun of me, I can make fun of others, but others should not talk anything about. अगर मैं किसी का मजाक That is also not right. और किसी अगर मैं किसी का मजाक करता हूँ, तो मुझे भी जरूरत है कि कोई मेरा मजाक उड़ाए, तो मुझे भी उस प्रकार से सहमति करनी है और इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि मैं किसी और सभी का मजाक उड़ा सकता हूँ, परंतु कोई मेरा मजाक नहीं उड़ा सकता, और ये सही नहीं है। Sometimes, you know, I have seen people, they make fun of other people. When somebody crack a joke on them, they get hurt. और मैं कुछ लोगों इस प्रकार से जाता हूँ दूसरे लोगों का बहुत ही मजाक उड़ाते हैं परंतु कोई उस पर अगर चुटकुला कसता है तो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं वे लोग इवन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम और समस्याओं को सुलझाते हुए भी One of my friends came to UBS Chapel once. और UBS Chapel में मेरा एक मित्र आया And he said something before his sermon, which has always stuck in my mind. और शुरुआत संदेश के शुरुआत करने के पहले उसने मुझसे कुछ कहा और मेरे पूरे दिमाग में बैठ गया. He said he was standing in a railway line for reservation line for making a ticket. और वो रेलवे की कतार में खड़ा था आरक्षण के लिए. He said the person who was standing behind him always hit him with his leg. No, he was hitting him. He will hit him again. और मेरा मित्र जब आरक्षण की खिड़की की तरफ देखता है तो दोबारा उसे मारने का Oh, my friend was getting irritated. और मेरा जो दोस्त है बहुत ही कंटाल गया था He wanted to turn back and hit him. और वो घूमकर उसे मारना चाहता था Then, this time, my friend
immediately turned back and he saw this person was moving like this. He was a lame person. Every time he had to move, he had to do this. He's moving like this, but standing is straight. But to move forward, he said, I ask sorry to God. He was looking at the person, not at the problem. और इस प्रकार से जब उसने उस व्यक्ति की तरफ देखा तो वो लंगड़ा व्यक्ति था और जब चलने के लिए आगे बढ़ने के लिए उसे लंगड़ के जाना पड़ता था, परंतु जब वो खड़ा रहता था वो स्थिर खड़ा रहता था और उसने मैंने उस मनुष्य की तरफ देखा, उसकी समस्या की तरफ नहीं देखा और फिर मैंने परमेश्वर से क्षमा मांगी. Many a times solving issues we look at the person and not at the problem. और बहुत से बार हम समस्याओं को सुलझाने के लिए मनुष्य की तरफ देखते हैं, परमेश्वर की तरफ नहीं देखते हैं. That taught me a great lesson. और उससे मैंने बहुत बड़ा सबक सीखा. In families, in churches, there are issues. और परिवार में, कलीसिया में बहुत सी बातें होती है. Many a times we don't address the problem, we address the people. और बहुत से बार हम समस्याओं का सामना नहीं करते पर लोगों का सामना करते हैं. Look deep into the problem. और समस्याओं में हमें गहराई में देखना है. Even for this small thing, you know, cracking, I have heard people saying, he made a fun on me. I'm leaving the church. और इस प्रकार से जब हम लोगों के साथ में मजाक करते हैं, वो भी और लोग इस प्रकार से कहता कि उसने मेरे साथ में मजाक किया, इसके लिए मैं कलीसिया को छोड़ रहा हूँ. They say there are three groups of people in the church. और वो कहते हैं कि कलीसिया में तीन प्रकार के लोग हैं. The number one group is members. और पहले जो सदस्य जो होते हैं वो members होते हैं. They come to the church basically to get their children married, and when somebody dies. और कलीसिया में आते हैं अपने बच्चों की शादी ब्याह करने के लिए या तो फिर कोई मर जाता है तो उनकी उनको दफनाने के लिए. Membership is their most important thing. और उनकी सदस्यता वहाँ पर है. Second, there is a group. और दूसरा दल है. They are called believers. और वो कहते हैं विश्वासु. They pay their tithe. और वो अपनी दशमांश देते हैं. They have a Wednesday cottage meeting they have in their home. और बुधवार के दिन में उनके घर में जो कलीसिया होती है वो होती है कॉटेज में. They pay their tithe. और they pay their they put offering. और वो दान देते हैं अपना. And they say praise the Lord to everybody in the church. और कलीसिया में सबसे कहते हैं प्रभु की स्तुति हो. But if the pastor doesn't forget to say praise Lord one Sunday, they get upset. अगर मेषपाल एक रविवार को दिन उनको अगर अभिवादन नहीं करता प्रभु की स्तुति हो तो बहुत ही हताश हो जाते हैं. So the pastor shaking hand with that person, not with me. I am angry with the pastor. और उसने वो कहता है कि मैंने मेषपाल को उस व्यक्ति के साथ में हाथ मिलाते हुए देखा, अभिवादन करते देखा, परंतु मेरे साथ में नहीं किया, इसके लोग क्रोधित हो जाते हैं. But there is a third category in the church. परंतु कलीसिया में तीसरे प्रकार के भी लोग हैं. They are called disciples. और उसे कहते हैं शिष्य. They don't bother whether pastor shook hand with me. और इस बात की परवाह नहीं करते. They don't bother whether somebody did not say good morning to me, praise Lord to me. Their one aim is to grow in the Lord. They are disciples. और वो शिष्य है जो है वो चाहे उसको कोई अभिवादन कहे, कभी सुबह शुभ प्रभात कहे या न कहे, कोई अभिवादन कहे कहे या न कहे, परंतु उनका सिर्फ एक ही अचूक होता है कि परमेश्वर के वचन में बढ़ने के लिए वो परमेश्वर के शिष्य है. I pray that New Life Fellowship Church in Borivali will have mostly the third category. Who are they? Disciples. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि बोरिवली के न्यू लाइफ कलीसिया के जो सदस्य है वो तीसरे दल के हो जहाँ पे परमेश्वर के शिष्य है. Having said all those things, let me come to the second part of my sermon, my message yesterday. और इन सभी बातों को कहते हुए मेरा जो संदेश था कल का उसकी तरफ मैं आता हूँ दूसरे भाग में. Project the entire thing once again, and we'll come back to. Yeah, this is the topic. और एक बार फिर हम अपने संदेश की तरफ आते हैं जिसका विषय है. How to live a victorious Christian life. और किस प्रकार से मसीह का विजेता का जीवन हम जिए. Put it in a different way. और दूसरे प्रकार से हम इसे डालते हैं. How to overcome the power of the enemy. और शत्रुओं के जो सामर्थ्य है उस पर किस प्रकार से हम विजय पा सकते हैं. As I mentioned yesterday, very often people say like the questions today, Pastor, I have a defeated Christian life. और जैसे हमारे पास सवाल है और बहुत से लोग इस प्रकार से कहते हैं मेरे पास इस प्रकार से हारा हुआ जीवन है. I'm not able to overcome the power of the enemy. और मैं कभी भी शैतान का जो सामर्थ्य है उसके ऊपर विजय नहीं हासिल कर लेता हूँ. How to overcome? और किस प्रकार से उस पर हावी होना है या विजय हासिल करनी है. Ephesians chapter 6, we read from verse 10. Four recurring words there. Stand firm, to stand, take your stand. Friends,
टू स्टैंड अगेंस्ट द एनिमी यू नीड टू टेक योर स्टैंड. और जैसे हमने एपिसोड के 6 अध्याय से 10 वचन से पढ़ा है और 4 जो बातें हैं वहां पे वापस दोहराई गई है, वो है कि खड़ा रहना और स्थिरता में खड़ा रहना और एक बार फिर खड़ा रहना और अपने स्थान को ग्रहण करना और किसी का सामना करने के लिए हमें स्थिरता से खड़े रहना जरूरी है. लाइक जोशुआ सेड इन द बुक ऑफ जोशुआ, और यशुआ ने जैसे अपने यशुआ की किताब में कहा है, दिस डे यू चूज फॉर योरसेल्फ, आज का दिन आप अपने लिए चुन लो, whether you will serve God or the devil. और आप किसकी सेवा करोगे, परमेश्वर की या शैतान की. As for me and my family, we will serve the Lord. और मेरा परिवार, मैं हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, इसके लिए आप आपका जो स्थान है उसे स्पष्ट करना है. How to make the inner man strong? और किस प्रकार से अंदरूनी व्यक्ति है उसको सामर्थ्य शक्तिशाली बनाना है. We read this yesterday. We studied this yesterday. और हमने इसे कल पढ़ा है, हमने इसका अध्ययन किया है कल. Read, understand, obey and practice God's word. और हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, समझना है, आज्ञा पालन करना है, उसका अभ्यास करना है. I'm not going to repeat this. और मैं इसे दोहराऊंगा नहीं. Go over to the next slide. Second. दूसरा. Put on the whole armor of God. और परमेश्वर के आत्मिक हथियारों को हमें ग्रहण करना है. What is this whole armor of God? और परमेश्वर के जो आत्मिक शस्त्र है वो क्या है? Okay, we are going to study these 5-6 aspects until about 7:45 we will stop. और हम परमेश्वर के वचनों के ये इस भाग को हम अध्ययन करेंगे और 7:45 को हम खत्म करेंगे. What is this full armor of God? और परमेश्वर का ये आत्मिक शस्त्र जो है वो क्या है? Now, number one. पहली बात. The belt of truth, verse 14. और 14 वचन जो कहता है सत्य की कमर है. Paul says. पौलुस कहता है. How the belt of truth. और जो कमर पट्टा है वो सत्य का होना चाहिए. Buckled around your waist. और अपने. Buckled around your waist. अपने नाभि में हमें कसना है उसे. Now the question is, और सवाल ये है, what is this truth? और ये सच्चाई क्या है, सत्य क्या है? That you need to buckle around your waist. और अपने नाभि में हमें जो कस कर बांधना है, वो सत्य क्या है? In history, there has always been a question, what is truth? और इतिहास में हमेशा एक सवाल रहा है कि सत्य क्या है? Now the question, the answer is found in the gospel itself. और उसका जवाब जो है वो सुसमाचार में वहीं पर मिलता है. Once Jesus said, I am going to prepare a place for you. और एक बार यीशु ने कहा कि मैं आपके लिए एक स्थान को तैयार करूंगा. And he said, once I prepare that place, I'll come back and receive you. और उसने कहा अगर मैं स्थान को तैयार कर लेता हूं तो मैं दोबारा आऊंगा आपको ले जाऊंगा. And Jesus said, you know where I am going. और फिर यीशु ने कहा कि आपको पता है मैं कहां जा रहा हूं. All the 12 disciples stood there except one pretending that they know where Jesus was going. और उस 12 शिष्यों में से 11 शिष्य इस प्रकार से वहां खड़े रहे ये जताते हुए कि उनको पता है कि यीशु मसीह कहां जाने वाले हैं. In fact, none of them knew where he was going. पर तो उसमें से किसी को पता नहीं था कि यीशु मसीह कहां जाने वाले हैं. But one person who had my name, Thomas, he had the courage to say, Lord, I don't know where you are going. और उसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम मेरे नाम जैसा थॉमस था, उसने कहा कि मुझे पता नहीं प्रभु, बताओ कि आप कहां जाने वाले हो. Sometimes it is difficult for our generation to say that word, I don't know. और हमारे युवा पीढ़ी को इस प्रकार से बहुत ही कठिन होता है पूछने के लिए कि मुझे पता नहीं है. Teachers in UBS, I hear complaints from students, sir, when I asked a question, the teacher was pushing me to the corner and you know, because the teacher doesn't know the answer, he doesn't want to say, I don't know. So they will get back to the students and scold them, why did you ask that question and all that. It is good for us to sometimes say, I don't know. और शिक्षक जो UBS में इस समय विद्यार्थी मेरे पास आते हैं कि मैंने शिक्षक से जो सवाल पूछा वो जवाब नहीं देते हैं और मुझे कोने में इस प्रकार से डालते हैं, बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि बहुत से बार बहुत ही कठिन होता है ये कहने के लिए कि मुझे पता नहीं है. But this disciple had the humility, the audacity, the humbleness to say, Lord, I am sorry, I don't know where you are. परंतु इस व्यक्ति के पास नम्रता थी, दीनता थी, उस प्रकार का स्वभाव था ये कहने के लिए कि प्रभु मुझे पता नहीं आप कहां जा रहे. Then Jesus uttered the famous verse in John chapter 14. और फिर सुप्रसिद्ध वचन जो यूहन्ना 14 में है जो यीशु मसीह ने कहा, Thomas, थोमा, I am the way. मैं मार्ग हूँ. I am the truth. मैं सत्य हूँ. I am the life. मैं जीवन हूँ. So what is truth? Who is truth? और इसका मतलब सत्य क्या है? सत्य कौन है? Truth is my Lord. और सत्य मेरा प्रभु है.
You see, one of our problem is Jesus said, I am the truth. और हमारी एक समस्या ये है कि यीशु मसीह ने कहा कि सत्य मैं हूँ. Truth is me. सत्य मैं हूँ. I embody truth. और मैं इस प्रकार से संबोधित करता हूँ कि सत्य मैं हूँ. I am the personification of truth. और मैं सत्यता का इस प्रकार से झिलम हूँ. Truth is me. और सत्य मैं हूँ. Today our problem is we have become agents of truth. और आज हमारी समस्या ये है कि हम सत्य के दूत बन गए हैं. If India has to know the Lord Jesus Christ, you have to embody truth. और अगर भारत देश को सत्य को जानना है, यीशु को जानना है, तो हमें सत्य को इस प्रकार से पहन लेना है. Jesus said, I am the truth. यीशु ने कहा कि मैं ही सत्य हूँ. How to overcome the enemy? और किस प्रकार से शैतान पर हम हावी हो सकते हैं? The belt of truth buckled against, around your waist. और हमें अपने नाभि में सत्य की जो कमर पट्टा है उसे बांध लेना, कसकर बांध लेना है. To overcome the enemy, we need to put on Christ. और शत्रुओं पर काबू पाने के लिए हमें मसीह को पहन लेना है. Please note this. और कृपया करके इसे लिखिए. Our enemy, हमारा शत्रु, does not live in truth. और वो सच्चाई में नहीं रहता है. From the beginning, he is a liar. और शुरुआत से वो झूठा है. But we who live in Christ, we live in truth. और हम जो मसीह में जीते हैं, वो हम सत्य में जीते हैं. Our enemy is a liar. He cheated Adam and Eve. और हमारा जो शत्रु है वो झूठा है. उसने आदम और हवा को इस प्रकार से झूठा बनाया. And so he is a liar from the beginning. और इसके शुरुआत से वो ही झूठा है. He is unrighteous. और वो अधार्मिक है. But we are made righteous through him. पर तो यीशु के द्वारा हमें धर्मी बनाया गया है. Please note this. When we live in truth, we can overcome the devices of enemy. अगर कृपया करके इसे नोट कर लीजिए, जब हम सत्य में रहते हैं तो शत्रुओं के जो युक्तियां है उस पर हम काबू पा सकते हैं. How can you tell someone just Jesus is truth when you yourself don't live in truth? अगर आप कैसे कह सकते हैं किसी और से कि यीशु मसीह सत्य है जब आप स्वयं में सत्य में नहीं रहते हो? So to overcome the enemy, Paul says the number one method, or the number one thing, point is that we need to have truth buckled against, around our waist. और इसके लिए शत्रु पर हावी होने के लिए पहली जो बात है, सत्य को हमें पहन लेना है. जैसे पौलुस कहता है कि सत्य का कमर पट्टा हमें बांध लेना है. You understand? क्या आप समझ रहे हैं? Have Jesus in you. और आपके अंदर यीशु को होना है. You know, have you seen this what is that game that in Tamil Nadu, Kerala that we play? Swasam vidada odune odu swasam vidada nammala ngodi kodu orale pidichu varullo. What is that? Kabaddi, you know. And I have seen those in UBS also. We have, before they go for that, they will have a towel tied against, around their waist, and so that the pant doesn't go down. They are well, you know. You need to have Jesus tied around your waist. Jesus is with you. Unless and until you do that, you cannot overcome the enemy. You cannot defeat the enemy there. और वहाँ पर जैसे खेल में, कबड्डी के खेल में, जैसे वो जो खिलाड़ी है, वो जो अपने कमर का पट्टा बांध लेते हैं, जिसे हम लंगोट कहते हैं, ताकि उसकी जो पैंट हो नीचे ना, उसी प्रकार से हमें सत्य का कमर पट्टा बांध लेना चाहिए जब हम शत्रुओं का हावी होना है तो. First of all, take your stand. पहली बात तो है अपने स्थान को हमें ग्रहण करना है. That you don't stand on a slippery ground. और आप फिसलते हुए स्पर्श पर आपको खड़े नहीं होना है. You stand on Christ the rock. और आपको मसीह जो चट्टान है उस पर खड़े होना है. Secondly, put on Christ. और आपको मसीह को, दूसरी बात है, मसीह को आपको पहन लेना है. Put on the whole armor of God. और परमेश्वर के जो शस्त्र है, आत्मिक शस्त्र, उसे पहन लेना है. Armor of God, number one, the belt of truth. और पहली बात, उसे परमेश्वर के जो आत्मिक शस्त्र है उसके अंदर जो पहला कमर पट्टा है. When someone sees me, they will see the truth of Christ, truth of Jesus Christ in me. और जब कोई मुझे देखता है तो यीशु मसीह की सत्यता को, उसकी सच्चाई को मैं देखता है. I don't know whether I should say this story, but let me say, one of my friends from UBS, a Pentecostal student, went to Kerala with his Marthoma friend. और पेंटिकॉस का मेरा एक दोस्त है, वो केरला में गया मार्थोमा के अपने दोस्त के साथ में. There's a place called Tiruvalla in Kerala. वहाँ पर तिरुवल्ला करके एक जगह है केरला में. They both reached Tiruvalla by train. और ट्रेन के द्वारा तिरुवल्ला स्थान पर दोनों पहुंच गए. The Pentecostal student went to his home. The Marthoma student went to his home. Pentecostal जो विद्यार्थी था अपने घर चला गया. Marthoma का जो विद्यार्थी था अपने घर चला गया. After 1 week they met again
इन तिरुवल्ला और एक सप्ताह के बाद में तिरुवल्ला स्थान पर दोनों एक बार फिर मिले. पेंटेकोस्टल फ्रेंड सेड वेयर आर यू गोइंग. और पेंटेकोस्ट का जो विद्यार्थी था उसने उससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो. ही सेड आई हैव माय माय चर्च फादर यू नो दे कॉल अचन और द चर्च प्रीस्ट मोर्थमा चर्च प्रीस्ट क्लोज बाय हियर आई एम गोइंग टू सी हिम. और उसने कहा कि पिता कलीसिया का जो पिता है याजक है उसके पास मोर्थमा का याजक है उसके पास मैं जा रहा हूँ. ही सेड आई विल जॉइन यू. उसने कहा कि मैं भी आपके साथ में चलूंगा. बोथ ऑफ द मेड टू मोर्थमा प्रीस्ट हाउस और मोर्थमा का जो याजक है उसके घर पे दोनों चले गए. द मोर्थमा स्टूडेंट सेड दिस इज माय फ्रेंड फ्रॉम यूबीएस बट ही डिड नॉट टेल हिम द डिनोमिनेशन एंड ऑल यू नो एंड दे वर सिटिंग देयर एंड टॉकिंग. और मोर्थमा का जो याजक है उसके पास उसने कहा ये मेरा मित्र है उसने उसके जो दूसरा है उसको उसके बारे में कुछ कहा नहीं पर जो दोनों बातें करते रहे वहां पर. दे हैड टी एंड ऑल दे वर रिटर्निंग टू तिरुवल्ला टाउन to go back to their own houses. और फिर वापस से चाय पीने के बाद में तिरुवल्ला वापस आ गए ताकि अपने घर को जाने के लिए. And the priest said, "Well, I'll drop you there by my car." और याजक ने इस प्रकार से कहा कि मैं अपनी कार के द्वारा आपको वहाँ पर छोड़ दूंगा. So he is driving the car. और इसके लिए वो कार चला रहा है. मोर्थमा student is sitting this side. और मोर्थमा का जो विद्यार्थी वहाँ पर बैठा हुआ है. Pentecostal one is behind. और पेंटिकॉस्ट का विद्यार्थी पीछे बैठा हुआ है. It's about 10 minutes drive from the Achan's house, the Mortoma priest's house to Tiruvalla town. और तिरुवल्ला टाउन से उसके घर का जो रास्ता है सिर्फ 10 मिनट का है. एंड इन दैट 10 मिनट दिस priest is talking to this Mortoma student about his servant, Achan's servant in his home. और ये Mortoma विद्यार्थी के साथ में जो याजक है अपने घर में जो दास है उसके बारे में बातें कर रहा है. He said, you know, Mone, Mone means son, you know, this servant was with me for 12 years now, wonderful young man, but in the last 6 months, he has got into all sorts of naughtiness, he is stealing my money, he is not doing good things, he has got into all unwanted things, and I recently called him to my office and counseled him and said, what is the difference between you and a Pentecostal? और उसने कहा कि मेरे पास मेरा जो सेवक है वो 12 साल से बहुत ही अच्छा था परंतु कुछ दिनों से वो बहुत ही नटखट हो गया वो चोरी करने लग गया है. और फिर मैंने उसे अपने दफ्तर में बुलाया उसे सलाह दी कि आप में और पेंटिकॉस्टल का जो विद्यार्थी है उसके अंदर क्या अंतर है. सो द मोर्थमा student is doing this to Achan because behind who is sitting? और याजक को वो मोर्थमा का जो विद्यार्थी है उसे हाथ लगा के पीछे कौन बैठा हुआ है. He came to Pune after the vacation. He ran to my home. Said, "Sir, I heard a story. I cannot tell you." And Vivi Thomas also sitting there, listened to the story. और विद्यार्थी मेरे पास पुणे में आया और मुझसे कहा कि मैंने कहानी को सुनी और मैं भी वो कहानी को सुन रहा हूँ. मैंने कुछ जवाब नहीं दिया. Truth is not there. सच्चाई कुछ नहीं है उसमें. What can you preach now? और आप क्या प्रचार कर सकते हो? You go to the stage, take the mic, jump up and down, run from here to there. You are preaching, but truth is not. आप मंच पर जाते हो. No wonder. 1000 message, not even a single soul coming to know the Lord. आप मंच पर जाते हो. 1000 messages, कोई नहीं है. Please lift your hand. Anybody for Christ? All are sitting there. Anybody for Christ? Anybody for Christ? Repeated one, at least one. Nobody is lifting up because the preacher doesn't carry truth with him. जो प्रचारक का जो मंच पर जाता है उछल कूद करता है हजार प्रचार के संदेश देता है परंतु सच्चाई उसके अंदर कुछ भी नहीं होती. और वो पूछता है कि मसीह के लिए कोई है मसीह के लिए कोई है परंतु उसमें से एक भी व्यक्ति नहीं. वो कहता है एक व्यक्ति परंतु वहाँ कोई एक भी व्यक्ति क्यों नहीं है क्योंकि उसके अंदर कोई सच्चाई नहीं. इसलिए सेकेंड वन दूसरी बात हाउ टू ओवरकम द एनिमी और किस प्रकार से शत्रु पर हावी होना है. हैविंग द ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइटियसनेस ऑन योर चेस्ट और अपनी छाती पर धार्मिकता की जिलम हमें पहननी है. ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइटियसनेस इन प्लेस और धार्मिकता की जो जिलम है अपने स्थान पर. इन द एंशिएंट टाइम्स और पुराने जमाने में द ब्रेस्टप्लेट वाज मेड ऑफ ए मेटल पीस और उस जिलम जो है वो धातुओं से बनने की. एंड इट इज वोर ऑन the front side here aur pehenne ke samne ki aur chhati ki aur so that when the enemy put his arrows it would not go into your heart taki jab shatru apna baan chala hai to seedhe wo aapko lage nahi isliye otherwise the arrows will go inside hit your heart you will die agar us prakar se jilam aap nahi pehante hai to baan choda jayega to baan aapke hriday mein chala jayega aap mar jaoge. Breastplate of righteousness is basically to protect your heart. और धार्मिकता की जिलम है वो आपको सुरक्षा देने के लिए आपके हृदय को. Friends,
अगर आपको शत्रुओं पर हावी होना है, उस पर विजय हासिल करनी है, तो आपके अपने हृदय को संभालना पड़ेगा. प्लीज नॉट, कृपा करके लिखिए, इज नॉट प्योर, आपका हृदय शुद्ध नहीं है तो इट कैन रूइन योर लाइफ, तो आपके जीवन को नष्ट कर सकता है. इफ द हार्ट इज नॉट प्योर इन द साइट ऑफ द लॉर्ड, वी कैनॉट विन द स्पिरिचुअल बैटल. परमेश्वर के दर्जों में अगर अपना हृदय शुद्ध नहीं है, तो आत्मिक जो लड़ाई है उसे हम विजय नहीं पा सकते हैं. द बाइबल वेरी क्लियरली सेज, वचन बहुत ही स्पष्ट से कहता है, फ्रॉम द हार्ट कम्स आउट एवरीथिंग, और हृदय से सभी कुछ निकलता है. इफ इट इज पोल्यूटेड, इट कैन किल पीपल बिकॉज इट ओमिट पॉइजन. अगर उसमें अंदर गंदगी है तो लोगों की उसके जान भी ले सकती है, क्योंकि उसके अंदर विष है, इसलिए जहर है. It is in that heart that we keep all the bitterness. और ये हृदय है जिसके अंदर हम पूरी कड़वाहट भरे हुए रहते हैं. In my childhood there was a tract, I still have one of them. It is called the Heart of Thambi. और मेरे पास एक बचपन में शुभ संदेश का एक पत्र था, जो अभी भी मेरे पास है, जिसके अंदर लिखा है कि तंबी का जो हृदय. Two hearts. Before receiving Christ, after receiving Christ, Thambi's heart. और मसीह को ग्रहण करने के पहले का हृदय, मसीह को ग्रहण करने के बाद का हृदय, और तंबी का हृदय. I want you to ask this question to yourself. और मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने आप से सवाल पूछें. How is my heart today? मेरा हृदय आज कैसा है? What have I kept in my heart? मेरे हृदय में मैंने क्या रखा है? I told you the other day. मैंने जैसे पहले भी आपको बताया. When I personally pray in my room quietly by myself, almost every day I utter this word to the Lord. Lord, in the depth of my heart, I pray in Malayalam. I say this in Malayalam to the Lord. Lord, in the depth of my heart, I want only you to stay. Nobody else will take possession of my heart. But it is you who will be in my heart. और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, व्यक्तिगत रूप में जब मैं प्रार्थना करता हूँ, तो मैं गहराई से हर दिन प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हृदय की गहराई में मेरा जो स्थान है प्रभु, वो स्थान सिर्फ आपके लिए हो जाने दो और किसी और के लिए नहीं. Keep your heart pure. अपने हृदय को शुद्ध रखें. Wash it every day. उसे हर दिन धोए. Don't wait for a spiritual week after 1 year to get your heart clear with the Lord. और एक साल के बाद में शुद्ध करने का जो सप्ताह है, उसके लिए न रुके आपके हृदय को शुद्ध करने के लिए. Let me ask you this question. मुझे आपसे एक सवाल पूछने दो. How many times? Don't show me hand. How many times you said today, Lord, forgive me. That was not a right thought. That was not a right word. I said, forgive me. How many times you said today? Don't show any hands. You ask me. हाथ मत उठाइए. How many times today the Lord spoke to you? और हाथ मत उठाइए. और कितने बार आपने दिन में कहा कि प्रभु, ये जो विचार मैंने किया, ये मैं जो कार्य किया, वो सही नहीं था, मैंने ठीक नहीं किया. Christian life is 24/7 and 365 days. Christian life is not a Sunday life. मसीह का जीवन है 24/7, 365 days. मसीह का जीवन 24/7 है और 365 दिन होता है. सिर्फ एक दिन का मसीह का जीवन नहीं होता है. I had to ask today number of times in the car, in the auto, in certain places, Lord, that was not right. Forgive me, Lord. और मुझे कार में और ऑटो में बहुत से बार मुझे कहना पड़ा प्रभु कि ये जो किया वो सही नहीं था प्रभु. Listen to God. प्रभु को सुनिए. Lord, keep my heart pure. प्रभु मेरे हृदय को शुद्ध रख. It is a daily thing. और ये रोज के दिन की दिनचर्या है. Somebody, a 6-year-old daughter asked her father. 6 साल के लड़की ने अपने पिता से पूछा. Dad, can I live 1 week without committing a sin? और क्या मैं एक सप्ताह बिना पाप के रह सकती हूँ? She was very smart. और बहुत ही चतुर थी. But Dad said. पिता ने कहा. मोलू और डॉटर, I don't think it is possible. पुत्री, मुझे नहीं लगता कि यह संभव है. And then she said, Dad, Appacha, Grandpa, can I live 1 day without committing a sin? और फिर उसने कहा कि पिता, दादा, क्या मैं एक दिन बिना पाप के रह सकती हूँ?
He said, "Ah, that it may be possible." और उसने कहा कि हाँ ये संभव हो सकता है। But you are still a human being. Sometimes in your thoughts or in your look, something has happened. और हो सकता है क्योंकि आप मनुष्य हो, इसके लिए आपके स्वभाव में, आपके विचार में कुछ हो सकता है। She kept on asking. और वो नेता पूछती रही। Finally, she asked one question. और अंत में उसने एक सवाल पूछा। Can I live one moment without committing a sin? और क्या मैं एक क्षण बिना पाप किए हुए रह सकती हूँ? The grandpa immediately said, "Yes, that is possible." और उसने कहा कि हाँ, ये हो सकता है। And she, this girl, you know, very smart, she made a comment. और फिर ये जो लड़की बहुत ही होशियार थी, उसने इस प्रकार से टिप्पणी की। She said, "If that is the case, I want to live my life moment by moment." और अगर इस प्रकार का है, तो मैं हर एक क्षण और क्षण के द्वारा मैं जीना चाहती हूँ। Not daily basis. और हर दिन के समान नहीं। Not weekly basis. सप्ताह के समान नहीं। If I can live one moment without committing a sin, then I want to live my life how? Moment by moment. अगर एक क्षण के लिए मैं बिना पाप के रह सकती हूँ, तो मैं मेरा जीवन जो क्षण और क्षण करके जीना चाहती हूँ। Do we live our life Sunday by Sunday? और क्या हम अपना जीवन रविवार रविवार करके बिताते हैं? I'm not causing any guilt in you. और मैं आपके अंदर कोई हीन भावना नहीं महसूस करवाना चाहता हूँ। I'm only encouraging you to make an effort. मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप कोशिश तो कीजिए। You might fall. हो सकता है आप गिर जाएंगे। But you will rise up. परंतु आप उठेंगे। The only thing is. सिर्फ एक बात है। You will not say. That's okay. और आप ये नहीं कहोगे कि हाँ ये ठीक है। Somebody said, किसी ने कहा, committing a sin is not that a problem. The more problem is you committed a sin and you don't know that you committed a sin. That is greater problem than committing a, and then more than that justifying that. और समस्या ये नहीं कि आप पाप करते हैं, पर तो समस्या ये है जो आपका पाप करते हैं उसे पहचानते नहीं है और नियंत्रण उस पर कैसे करते रहते हैं। तीसरा क्या है? गॉस्पेल ऑफ पीस। Yes, the gospel of peace, having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. और सुसमाचार तैयारी के जूते पहन लेते हैं अपने पैरों में शांति के। It is doing witnessing or evangelism. और जो गवाही देती है सुसमाचार की। Our feet speak a lot about us. और हमारे जो पैर हैं हमारे बारे में बहुत सी बातें कहते हैं। An army person in the olden days had to take care of one of the most important part of his body that he had to take care was his shoe. और सेना के जो पहले के जवान थे उसका बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी कि अपने पैरों को उसको बहुत ही संभालना पड़ने का उसके जूतों को। When he is running in the field, अब जब खेत में वो दौड़ रहा होता है, if a stone or a thorn goes in, his concentration will go there. अगर कोई काटा या पत्ता उसे चुभता है, तो पूरा लक्ष्य उसका नीचे की ओर चला जाएगा। He will not be able to fight the battle properly when there is something on his feet. अगर उसके पैरों में कुछ लगा होगा, तो युद्ध पूरे प्रकार से उसका सामना नहीं कर नहीं पाएगा। So he had to protect his feet properly. और इसके लिए उसको अपना संरक्षण देना होता है अपने पैरों का। Where you walk, where you go is very important. आप कहाँ पर चलते हो, आप कहाँ पर जाते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। I was asking Uncle Sam, where is that verse? There is a verse. Probably Uncle Abraham or Sivi Uncle will know. How beautiful are the feet of the ones who proclaim? और इस वचन को मैंने उनसे पूछा क्या कितने अच्छे संदेश के उसके जूते हैं, पैर हैं जो सुसमाचार बांटते हैं। What is that verse, Uncle? It is in Isaiah, I think. Isaiah or somewhere. You know, how beautiful are the feet of the ones who proclaim the word of God. और कितने सुंदर है उन लोगों के पैर जो सुसमाचार को बांटते हैं। Keep your feet clean. अपने पैरों को साफ रखिए। Where you go, very important. कहाँ पर आप जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। I said to the young people today, Francis of Assisi. और युवा लोगों से मैंने कहा Francis of Assisi. When he was dying. और जब मर रहा था. He called his disciples close by. उसने अपने शिष्यों को बहुत ही करीब बुलाया. And he said. और उसने कहा. Now I'm going to die. अभी मैं मरने वाला हूँ. You go out and preach the gospel. आप बाहर जाके सुसमाचार बांटो. And if necessary, use words. अगर जरूरत पड़े तो शब्दों का इस्तेमाल करो.
preach the word and if necessary open your mouth. सुसमाचार बांटो परंतु अगर जरूरत पड़े तो preach the gospel without opening your mouth. और सुसमाचार आप कैसे बांट सकते हो अपने मुखों को खोले बिना. That is through your life. और ये आपके जीवन के द्वारा संभव है. Keep your feet clean. आपके पैरों को शुद्ध रख साफ रखना है. Make it clean so that wherever you go, you carry the peace there where you go. Jesus said, if you go to one village and if they reject you, take the dust off and go to another village. और आपके पैर जो है अगर साफ हो गए तो आपके साथ में शांति जाएगी. जैसे यीशु मसीह ने कहा कि अगर आप किसी नगर या गांव में जाते हो और आपको सत्कार नहीं मिलता है तो अपने धूल वहां पर झाड़ दो. The next one. अगली बात. Take up the shield of faith. और विश्वास की ढाल हमें लेनी है. The shield of faith is for our daily life. और विश्वास की ढाल जो है हमारे दिनचर्या के लिए है, हर एक दिन है. By faith we shall overcome. और विश्वास के द्वारा हम उस पर हावी होंगे. Faith is for every day. और विश्वास हर एक दिन के लिए है. Live beyond some of these impossibilities. और असंभव से जो बातें हैं उससे भी परे हमें जीना है. Satan will come and say, your faith is gone. अब शैतान आके आपसे कहेगा आपका विश्वास चला गया. The arrows of the enemy will come. और शत्रु के जो बाण है वो आ जाएंगे. You need to have the shield of faith. और हमें उस विश्वास के ढाल को हमारे पास होना चाहिए. Don't lose your faith. हमें अपने विश्वास को खोना नहीं है. What is faith? विश्वास क्या है? You write it this way down. F-A-I-T-H. और आपको इस प्रकार से अंग्रेजी में लिखना है F-A-I-T-H. Someone said this way. Forsaking all, I take him. Faith, F-A-I-T-H. Forsaking all, I take him. Him means Jesus Christ. और मैं सब कुछ को खो देता हूँ, नकार देता हूँ, जो मैं लेता हूँ उसके बारे में कहा गया यीशु मसीह के बारे में. Taking up the shield of faith. और विश्वास की ढाल जो है हमें लेना है. Nothing will shake my faith. और मेरे विश्वास को कोई भी हिलाएगा नहीं. Come what may, I will continue to have my faith in him. और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं विश्वास उसमें रखता रहूंगा. Of course, sometimes we shake. और सचमुच में कई बार हम हिलते हैं. I have been shaken. और मैं भी इस प्रकार से हिला हुआ हूँ. After preaching such messages, I go back, something comes and I shake sometimes. और संदेश को इस प्रकार के संदेश को बांटने के बाद कुछ बातें होती है और फिर मैं इस प्रकार से हल जाता हूँ. And the Lord understands that. और परमेश्वर इसे जानता है. If the Lord were to forsake us for shaking our faith and all, we would not have been in the faith today. He comes to us. He helps us. और परमेश्वर जो है हमारे विश्वास अगर हम त्याग देते हैं इस प्रकार से होता तो परमेश्वर हमें सहायता के लिए आता है. वो आता है, वो जानता है. Then the next one, helmet of salvation. और इस प्रकार से आत्मा के जो तलवार उद्धार का जो टोप है उसके बारे में. This armor of God is to protect your head. और ये जो शस्त्र है जो आपका जो सर है उसे उसके सुरक्षा के लिए है. In this body, every organ is important. But one organ is more important. और इस शरीर में हर एक अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है. पद्मो इसके अंदर एक जो अंग है बहुत ही महत्वपूर्ण है. If you lose one hand, you can still live. अगर आप एक हाथ खो देते हैं तो उसके बावजूद आप जी सकते हैं. Lose one leg, you can still live. अगर आप एक पैर खो देते हैं उसके बावजूद आप जी सकते हैं. But if you lose your head, परंतु अगर आप आपका सर खो दोगे, you cannot live. तो आप जी नहीं पाओगे. Head is very important. और आपका सर बहुत ही महत्वपूर्ण है. And in our head, we have our mind. और हमारे सर के अंदर हमारा एक मन है. And mind is a battlefield. और मन जो है लड़ाई का युद्ध स्थल है. Somebody said an empty mind is. और किसी ने कहा खाली जो मन होता है वो. Whose workshop? किसका कारखाना है? Don't keep your mind empty. और आपके मन को खाली नहीं रखना है. You know when you are born into this world, all of us we are like an empty cassette. और empty CD. और हम जब हमारा जन्म हुआ तो हम सभी लोग जो खाली CD के समान थे. The newborn child, the CD is empty. और नवजात शिशु जो होता है उसका जो मन होता है खाली होता है, CD खाली होती है. From the very first hour, second hour, one day, second day, third day, fourth day, the child is filling that CD. और हर एक क्षण से हर एक घंटा दूसरा घंटा हर एक दिन इस प्रकार से उसकी सीढ़ी भरती जाती है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ही महत्वपूर्ण है. What are you filling your CD with? बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस सीढ़ी में आप क्या भरते हो. The word of God. परमेश्वर का वचन. Teach a child how to live from the beginning. छोटे he will know how to live his life. और छोटे बच्चों को सिखाओ कि किस प्रकार से जीवन जीना है तभी वो जानेगा कि जीवन किस प्रकार से जिया जाता है. The battle begins in our mind. और युद्ध की शुरुआत होता है हमारे मन से. David's battle started in his mind. दाऊद का जो युद्ध था अपने मन से उसकी शुरुआत हुई. One look, five sins. और
एक नजर और छह पाप. He said in one place, morning, afternoon, and evening I will pray. और उसने कहा, evening he went up to the terrace. और उसने कहा कि सुबह, दोपहर और शाम मैं प्रार्थना करूंगा. और एक बार वो कहाँ पर गया? टेरेस पर गया. In the terrace he was going up and down. और वहाँ पर वो ऊपर नीचे कर रहा था. His army is fighting the battle in the field. और वहाँ पर उसकी जो सेना है वहाँ पर युद्ध लड़ रही है. The king is instead of praying, okay, he did not go for the battle. That's okay, but he should have been praying for them. In the evening, he was going up and down in the terrace. और वहाँ पर वो राजा था, राजा युद्ध में नहीं गया, कोई बात नहीं, पर तो वो युद्ध के लिए प्रार्थना करने के बजाय वहाँ पर वो ऊपर नीचे चल रहा था. And then he saw an unwanted scene. और फिर बाद में उसे अनचाह पाप उसने देखा. In the mind, it all started. और मन में उसकी शुरुआत हो गई. One sin, how many? One look, how many sins? एक नजर और कितने पाप हुए? How many sins he committed as a result of that one look? और एक नजर देखने के कारण उसने कितने पाप किए? Plotting. और योजना बनाई? Killing. हत्या? Adultery. और व्यभिचार? You name it, is all different kinds of sin with one look. और ये विभिन्न प्रकार के पाप है, आप देख सकते हैं, पर सिर्फ एक नजर देखने के कारण. Young people, older people, let me tell you something. Old age is not a guarantee against sin, okay? और युवा लोगों को या वयस्क लोगों को, आप अगर वयस्क हो तो इसका मतलब गारंटी नहीं कि आप पाप नहीं करोगे. Once a 90 year apachan was interviewed. 90 year old grand man, old man. और 90 साल के बूढ़ा था, उसकी मुलाकात ले गई. And the interviewer asked him. और मुलाकात लेने वाले उससे पूछा. Grandfather, you are now 90. और दादा, अभी आप 90 साल के हो चुके हो. Till what age you had temptation and all? और आप किस प्रकार से, कितने साल तक आपकी इस प्रकार से परीक्षा हुई? He said, son, I can tell you up to 90. It is there after that I don't know. और उसने कहा कि पुत्र, मुझे पता नहीं, 90 साल तक अभी भी है, आगे मुझे पता नहीं है. 90 he is going to now finish, but he says up to 90 temptation is there, I don't know after that. और वो कहता है कि अभी वो मरने वाला है, पर वो कहता है कि 90 साल तक अभी तक परीक्षा है, पर आगे मुझे पता नहीं है. So don't say only young people are tempted. और इस प्रकार से नहीं कह के सिर्फ लालच जो होता है या परीक्षा जो होती है सिर्फ युवा लोगों की होती है. I am 54. All of us have the potential to be tempted. और मैं 54 साल का हूँ, सभी के पास इस प्रकार की क्षमता होती है कि परीक्षा की. Therefore, fill your heart with what? इसके लिए आपके हृदय को आपको भरना है, परंतु किससे भरना है? The mind. और मन से, वचन से. Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है. Helmet of salvation. उद्धार का टोप. Keep your head properly. आपके सर को आपको सही रखना है. And finally. और अंत में. The sword of the spirit. और आत्मा की तलवार. All other armor, 1, 2, 3, 4, 5, is to protect yourself. और 1, 2, 3, 4 जो शस्त्र है परमेश्वर के, आपकी सुरक्षा के लिए है. But this armor is not to protect yourself. परंतु ये जो अंतिम शस्त्र है वो आपकी सुरक्षा के लिए नहीं है. But to destroy the enemy. परंतु शत्रुओं का नाश करने के लिए है. This is to destroy the enemy. और ये शत्रुओं का नाश करने के लिए है. This is the word of God. और ये परमेश्वर का वचन है. The most important here is that we should know how to use this armor. और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो शस्त्र है उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए. Jesus used it. और यीशु ने इसका इस्तेमाल किया. When it is used properly, it can have great result. अगर आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो परिणाम बहुत ही अच्छा हो सकता है. Jesus used this to defeat the enemy. और यीशु ने इसका इस्तेमाल किया शत्रुओं का नाश करने के लिए, उसको पराजय करने के लिए. And this is why we preaches, all of us say that you need to give importance to the word of God. और इसके लिए प्रचारक हमेशा कहता है कि आपको पता होना चाहिए कि महत्वपूर्ण परमेश्वर का वचन जो है उसके लिए. God's word is very important. परमेश्वर के वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है. The sword of the spirit. और आत्मा की जो तलवार है. Now, one more thing and I close. और एक बात और मैं खत्म करूंगा. Look at all this armor of God. और परमेश्वर के जो शस्त्र है इसकी तरफ देखिए. The belt is here in the waist. और कमर पट्टा यहाँ कमर में है. Breastplate is here, right here. और यहाँ पर धार्मिकता की झिलम है. Gospel of peace is on the shoe. और पैरों के शांति के सुसमाचार जो पैरों में है. Shield of faith, shield is in the hand. और विश्वास की ढाल जो है वो हाथ में है. This hand shield. और यहाँ पर इस हाथ में आपकी ढाल है. Helmet is for head. और उद्धार का जो टोप है आपके सर के लिए है. The sword is in this hand. और जो तलवार जो है इस हाथ में है.
Something is for the bike also. अब पीछे के लिए कुछ है? है क्या कुछ? That means, like yesterday I said, if you run bike, the arrow of the enemy will come there. They have nothing to protect. और जैसे मैंने कल कहा कि अगर आप पीछे की ओर भागोगे तो आपका शत्रु का अगर बाण आएगा तो उसको सुरक्षा करने के लिए पीछे कुछ भी नहीं है. Yesterday I said Abraham Lincoln said something. और मैंने कल कुछ कहा, अब्राहम लिंकन ने कुछ कहा था. I walk. मैं चलता हूँ. You remember yesterday what I said? I walk. आपको याद है उसने मैंने कल का क्या कहा था? I walk slowly. मैं धीमे चलता हूँ. But I never walk backward. पर तुम पीछे की ओर नहीं चलता हूँ. There is a story about with that I'll stop. There is a story about a bullock cart and a transport bus in Kerala. और यहाँ पर एक कहानी है, बैलगाड़ी और ट्रांसपोर्ट बस है उसके बीच में है. No, some of these bridges were built during the time of the British. Only one vehicle could go one side. और ब्रिटिश के साम्राज्य में जब इस पुलों का निर्माण किया गया था तो पुल बहुत ही संकरे हैं, जहाँ पर एक ही वाहन जा सकता है. Once a bullock was entering the bridge from that side, a KSRTC Kerala Transport Service bus was entering. Both ended from both side. और एक पुल के ऊपर यहाँ से एक बैलगाड़ी यहाँ से उसने प्रवेश किया और केरला के एसटी बस है दूसरे तरफ से उसने प्रवेश किया. Both are not willing to go bike. One has to go bike for one vehicle to go. और कोई भी पीछे की ओर नहीं जाना चाहता क्योंकि एक को पीछे जाना ही पड़ेगा अगर दूसरे को आगे जाना है तो. The bus driver said, "अरे हटो, go bike." बस ड्राइवर ने उससे कहा पीछे की ओर चले जाओ, पीछे की ओर चले जाओ. हाँ, बुलॉक कार्ट पर्सन इज सिटिंग देयर, ही इज लुकिंग एंड लाफ स्माइलिंग एट वी विल नॉट गो बाय. और जो बैलगाड़ी चला रहा है उसकी तरफ देख रहा है, वो हंस रहा है, वो पीछे की ओर जाने वाला नहीं है. अदर व्हीकल्स आर ऑल बिहाइंड. बाकी जो वाहन है उसके पीछे है. फाइनली द बुलॉक कार्ट पर्सन स्टूड अप ऑन द बुलॉक कार्ट एंड सेड, सर यू हैव अ रिवर्स गियर, आई डोंट हैव अ रिवर्स गियर, यू गो बाइक. I cannot go bike. और बैलगाड़ी का जो वाहन चालक था उसने खड़े होकर कहा कि आपके पास पीछे जाने का गियर है, आप पीछे जा सकते हो, मेरे बैलगाड़ी में पीछे का गियर नहीं है, मैं पीछे नहीं जा सकता हूँ. A Christian do not have a reverse gear. और मसीह का जो व्यक्ति होता है उसके पास पीछे जाने का गियर नहीं होता है. Hallelujah. Hallelujah. You don't have a reverse gear. आपके पास पीछे जाने का गियर नहीं है. You have only forward gear. और आपको आगे जाने का गियर है. New Life Church. Vikroli, I mean not Vikroli, Borivali, you have only forward gear. New Life Church के जो बोले लिखे सदस्य आपके पास आगे जाने का गियर है. Please listen to me. कृपा करके मुझे सुनिए. At any point you run bike, the arrow is going to hit here. अगर आप किसी भी समय दौड़ के पीछे की ओर जाओगे तो आपका जो बाण है पीछे की ओर आपको लगेगा. You have the right only to go forward. आपके पास सिर्फ अधिकार है आगे जाने के लिए. If you go forward, you have all the armor of God. अगर आप आगे की ओर जाओगे तो परमेश्वर के पूरे शस्त्र आपके पास है. He has made enough provision for you to move forward. और उसने पूरे प्रकार से तैयारी कर दी है आपको आगे जाने के लिए. Yes, the enemy will be there. हाँ, सचमुच शत्रु वहाँ पर होगा. Enemy will have all his tricks. और शत्रु का अपनी सारी युक्तियाँ होगी. But finally, thanks be to God. Who gives us victory through Jesus Christ. और परंतु अंत में परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें विजय देता है यीशु मसीह के द्वारा. Can you stand up with me? क्या आप मेरे साथ में खड़े हो सकते हैं? How to overcome the enemy? और किस प्रकार से शत्रु पर विजय हासिल करनी है? We are more than conquerors. और हम विजेताओं से भी बढ़कर हैं. We are not losers. We are victorious people. और हम हारे हुए या पराजित हुए वे लोग नहीं, परंतु हम विजेता लोग हैं. When you face a problem, और जब किसी समस्या का सामना करते हो, you can either become a winner or a loser. और तो आप या तो विजेता बन सकते हो या फिर हारे हुए पराजित व्यक्ति बन सकते हो. You can either become a victor or a victim. और आप वहां से विजेता बन सकते हो या तो उसकी क्षति पा सकते हो. You can either become a winner or a failure. और आप जीतने वाले बन सकते हो या तो फिर हारने वाले बन सकते हो. All depends on one word. और सभी बात एक शब्द पर निर्भर करती है, attitude. और जिस प्रकार आपका स्वभाव है, attitude. स्वभाव. This evening, इस शाम को the mind of Christ. यीशु मसीह का मन हमारे अंदर हो जाने दो. He has given us enough provisions. और उसने इस प्रकार से सभी तैयारियां हमारे लिए की है. Tell in your heart, अपने हृदय में अपने से कहो, backward. और आगे की ओर हमें जाना है, पीछे की ओर नहीं जाना है. The same song that we sang yesterday, we are going to sing today. That only that line. और हम वही गाना गाएगा जो हमने कल गाया था. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me.
the cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back.